नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पेंशन धारकों से कर्मचारियों से रिलेटेड चार बड़े अपडेट निकल कर आए हैं, तो उन्हीं अपडेट के बारे में जो होगी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप भी एक कर्मचारी है और रिटायर्ड होकर अपनी पेंशन ले रहे हैं तो ऐसे में आपको ये चारों अपडेट जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए निकल कर आए हैं तो इनकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, पेंशन धारकों से कर्मचारियों से रिलेटेड ये जो चार बड़े अपडेट निकल कर आए हैं तो उन्हीं चार अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर अपडेट है कि पंजाब पेंशन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर एक बैठक की है, तो उसी के संदर्भ में ये अपडेट है। तो ये दोस्तों, पंजाब पेंशन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को लेकर अहम बैठक अजमल सिंह कनवीर एवं अजीत सिंह सोनी की अध्यक्षता में की। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को पेश आ रही समस्याओं संबंधित विचार विमर्श किया गया। पेंशनर नेता अजमेर सिंह और अजीत सिंह सोनी ने कहा कि इस सरकार ने कोरोना काल के दौरान सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को सुविधा तो क्या देनी थी, उनसे पहले दी जा रही सुविधाएं भी छीन ली है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं को समझते हुए इनकी जायज मांगों को पूरा करे ताकि उन्हें मजबूर होकर संघर्ष का रास्ता न अपनाना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने यही रवैया अपनाए रखा तो आने वाले समय में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो यह दोस्तों, यहाँ पर पेंशनरों की जो मांगे हैं तो उसके संदर्भ में यहाँ पर पंजाब पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो की है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो अपडेट है तो वो है दिव्यांग की पेंशन को लेकर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दिव्यांग लगा रहा है चक्कर, महीना ले रही है पेंशन। फीडिंग में हुई चूक एक दिव्यांग के लिए भारी पड़ गई। अचानक पेंशन बंद होने के जब उसने अभिलेखा की पड़ताली करवाई तो पता चला कि उसके नाम से पेंशन दूसरे ब्लॉक की एक महिला के खाते में जमा हो रही है। फिलहाल विभाग ने पेंशन भुगतान रोकने के साथ ही रिकवरी की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। यह मामला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का है। नवाबजंग के रीवा गांव निवासी दिव्यांग प्रमोद कुमार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के कारण उसका चयन पेंशन योजना के तहत हुआ था। कटरा भोगचंद स्थित सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के खाते में पेंशन की धनराशि जा रही थी। कुछ माह पूर्व अचानक पेंशन की धनराशि खाते में आना बंद हो गया। विभाग में जानकारी करने पर पता चला कि उसके नाम से पेंशन बेलसर ब्लॉक के ग्राम दुर्जनपुर तिवारी निवासी कौशल्या देवी के खाते में जा रही है। कई बार पत्र देने के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी विकास वर्मा के मुताबिक लाभार्थी का खाता नंबर गलत फीड होने के कारण ऐसा हुआ है। सही खाता नंबर फीड कर दिया गया है। संबंधित महिला के खाते से पेंशन की धनराशि वसूली के लिए खाता प्रबंधक को पत्र भी भेजा गया है। तो यह दोस्तों, यहाँ पर ये जो दिव्यांग की पेंशन भुगतान के संदर्भ में गड़बड़ का मामला यहाँ पर सामने आया था, जिसमें कहा गया है कि बैंक अकाउंट के फीडिंग में गलती हुई जिसके चलते किसी और महिला के खाते में जो है वो पेंशन का भुगतान होता रहा। इसके लिए यहाँ पर कार्रवाई करना शुरू हो गया है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसकी रिकवरी के लिए जो कार्रवाई है तो वो भी शुरू हो गई है। तो चलिए अगला जो अपडेट है तो उसे अभी हम जान लेते हैं। रेगुलर स्टाफ को वेतन मिला, पेंशन जारी करने के लिए यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं। तो दिया दोस्तों, पटियाला से यह अपडेट निकल कर आया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को अपने रेगुलर स्टाफ को सैलरी जारी कर दी, पर पेंशन जारी करने के लिए फिर से यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं है, जिसके चलते पेंशनर्स में रोष पाया जा रहा है। उधर अध्यापक जत्थेबंदी पोटा ने पेंशन जारी करने को लेकर अपना संघर्ष जारी रखने का फैसला लिया है। फैसले के तहत एसोसिएशन की ओर से रोजाना वीसी दफ्तर के आगे धरना लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। अध्यापकों ने निकाला रोष का मार्च। तो ये दोस्तों, पुटा ने अपनी मांगों को पूरा करवाने को लेकर यूनिवर्सिटी में रोष मार्च निकाला है। इस दौरान प्रधान डॉक्टर जसवीर बर्डा और महासचिव गुरनाम गिर्क ने कहा कि केवल सैलरी जारी होने तक ही एसोसिएशन का धरना नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी को वित्तीय संकट से बाहर लाना और हर महीने समय पर सैलरी जारी करवाना और विभिन्न मांगों को पूरा करवाने के मकसद से यह संघर्ष शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन एसोसिएशन की मांगे पूरी नहीं करती तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान वीसी दफ्तर से रोष मार्च शुरू कर यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों से होकर वीसी दफ्तर पर खत्म हुआ।
उसके बाद यहाँ पर पेंशनर्स भी संघर्ष शुरू करने की तैयारी में है। रेगुलर स्टाफ को सैलरी जारी हो गई है तो दूसरी ओर पेंशनर्स को पेंशन जारी नहीं हुई है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी के पेंशनर्स ने संघर्ष का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रधान श्याम सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी पिछले लंबे समय से भेदभाव वाली नीति अपना रही है। पेंशनर्स का हर महीने देरी से पेंशन जारी की जा रही है, जबकि पेंशनर्स को सबसे पहले पेंशन जारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अपने साथियों से बातचीत कर जल्द यूनिवर्सिटी के खिलाफ संघर्ष शुरू कर देंगे। रेगुलर स्टाफ को सैलरी जारी कर दी है, पेंशनर्स को भी पेंशन जारी करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में पेंशन जारी कर दी जाए। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये जो बड़ा अपडेट पेंशन धारकों की पेंशन के लिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं है ऐसा अपडेट निकल कर आया है, पर रेगुलर स्टाफ जो है तो उनकी सैलरी जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा कर दी गई है। तो चलिए अभी अगला जो अपडेट है तो वो है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। तो ये दोस्तों 52,000 शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली का किया समर्थन। जहाज गासियाबाद से यह अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्राथमिक शिक्षक की ओर से लंबे समय से मांग चली आ रही है। अब कोरोना काल में शिक्षकों ने इंटरनेट के माध्यम से अपनी मांग शुरू की है। 25 जून से अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से ट्विटर पर भी पुरानी पेंशन बहाली के हैशटैग के साथ अभियान चलाया जाएगा। शिक्षक संघ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर अनुज त्यागी ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश के सभी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में आक्रोश है, जिसे लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से 21 जून से गूगल फॉर्म के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है। इसमें 72 घंटे में 52,000 शिक्षकों ने पुरानी पेंशन के समर्थन में अपना मत दिया है। संख्या अभी तक लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2004 तथा 1 अप्रैल 2005 के बाद राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, एक नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है, जिसमें शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर अनुज त्यागी ने बताया कि पिछले साल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश के लाखों शिक्षकों द्वारा प्रत्येक राज्य में ब्लॉक से लेकर राजधानी तक आंदोलन भी किया गया। तो यह दोस्तों गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है यहाँ पर 72 घंटे में 52,000 शिक्षकों ने जो है यहाँ पर पुरानी पेंशन की बहाली को यहाँ पर समर्थन किया है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर अपडेट निकल कर आया है। इससे पहले भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों द्वारा लगातार आंदोलन जो है किया जा रहा है। यह दोस्तों ये जो चार अपडेट निकल कर आए थे तो उन्हीं चार अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।